नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे घर पर ही मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के लिए बड़े बड़े पार्लर्स जाते हैं, तमाम तरह के प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन अपने हाथ पैरों पर ध्यान देना बिल्कुल भूल जाते हैं। ऐसे में अपने हाथ पैरों को और खूबसूरत बनाने के लिए, अपने नाखूनों को और चमकदार बनाने के लिए आप घर पर ही मैनिक्योर और पेडिक्योर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एकदम सामान्य और सरल विधि बताने जा रही हूँ जिससे आप घर पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं मैनिक्योर करने के लिए सबसे पहले किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। घर पर मैनिक्योर करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसमें है नेल पेंट रिमूवर, नेल कटर, कॉटन टब या बाल्टी, शैम्पू, गुनगुना पानी, मॉइस्चराइजिंग लोशन, 2 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच शक्कर और तौलिया। इन सारी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके आप बैठ जाइए और सबसे पहले कॉटन लीजिए, अपने नाखूनों को साफ कीजिए और अपने नाखूनों को शेप दीजिए। इसके बाद अपने हाथ और पैरों को दोनों को पानी में, गुनगुने पानी में भिंगो लीजिए और थोड़ी देर बाद बाहर निकाल लीजिए। तीसरे स्टेप में शक्कर और जैतून के तेल को मिलाकर हाथों पर 10 मिनट तक स्क्रब करें, फिर हाथों को गर्म पानी से धो लें। अब जैतून के तेल से हाथों की मालिश करें, इससे हाथ नरम होंगे। आखिरी स्टेप में आप नाखूनों पर अपनी मनपसंद नेल पॉलिश भी लगा सकते हैं। तो ये था कुछ आसान सा तरीका जिससे आप घर पर मैनिक्योर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि पेडिक्योर कैसे करें घर पर आसान तरीके से। इसके लिए भी आपको कुछ वही सामग्री चाहिए जैसे कि नेल पेंट रिमूवर, कॉटन नेल कटर, नेल फाइनर तौलिया, नेल ब्रश, स्क्रब करने का ब्रश, शहद, मॉइस्चराइजिंग लोशन, नींबू के कटे हुए कुछ बारीक टुकड़े, गेंदे के फूल, हर्बल शैम्पू और टब में गुनगुना पानी। पैरों को, नाखूनों को साफ करें और फिर नेल फाइनर से शेप दें। अब टब में गुनगुना पानी डालकर उसमें नींबू का स्लाइस और गुलाब या गेंदे के फूल की कलियां डाल दें। फिर उसमें अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए रखें। जब पैरों की त्वचा नर्म हो जाए तो नाखूनों को ब्रश से साफ कर लें, एड़ियों को भी साफ कर लें और उसमें डेड स्किन निकाल दें। तीसरा स्टेप है नींबू का स्लाइस को अपने पैरों पर हल्के हाथों से लगाएं, फिर उसे गुनगुने पानी से अपने पैरों को धो लें। 2 चम्मच शहद में थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिलाकर स्क्रब करें। थोड़ी देर स्क्रब करने के बाद अपने पैरों को गुनगुने पानी से साफ कर लें। आखिरी स्टेप में पैरों को अच्छे से धोने के बाद तौलिए से पोंछ लें, पैरों को अच्छे से सुखाने के बाद उस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। तो ये था बेहद ही आसान तरीका जिसे आप घर पर अपना सकते हैं और आपको किसी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पार्लर में आपके पैरों और हाथों पर तमाम तरह के केमिकल युक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। ये काफ़ी देसी चीज़ें हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं घर पर ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ।